उनका कहना है कि समाज का संस्कार लड़कियां बिगाड़ी है तो आपकी भी बहन होगी, उसमें जो बिगाड़ी होगी आपकी माँ होगी, आपकी पिया होगी। मगर जहाँ पे वो बैठे हुए हैं ना, जिस संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं ना, उनका पद का लिहाज करके हम लोग नंगे हो जाए जी, आपकी बेटी बहू नंगी हो जाएगी तो आप यही बोलिएगा कैसे नंगा कर देगा। आप बिहार में हुआ रहता ना तो अभी बीजेपी और आरआरएस और बजरंग दल वाले नंगा नाच कर रहे होते सड़क पे उतर के। जो बोले थे आपका मीडिया मुर्दाबाद, आप मुर्दाबाद हम मुर्दाबाद। अरे आप ही जैसे लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। या वो खुद सीएम साहब नंगे हो जाए आके सड़क पे तब भी वो यही कहेंगे हम अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते, मन करता है जहाँ मिल जाए उसको नंगा करके बीच सड़क पे आग लगा दे। ऐसे मुख्यमंत्री को तो इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। बहुत से ऐसे बीजेपी के नेता है जो नाबालिग लड़कियों के साथ रेप किया है पर उसके बारे में किसी को पता तक नहीं है। केंद्र में नरेंद्र मोदी है जो हर गुनहगार को, हर रेपिस्ट को बचाती है। जब से मणिपुर का वो वीडियो वायरल हुआ है तब से पूरे देश में तहलका मच गया है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार और उस राज्य यानी मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार, उसके बावजूद भी अभी तक उन अपराधियों को जो है कि कठिन से कठिन कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि उसको गिरफ्तार किया गया है लेकिन आश्वासन दिया जा रहा है कि आने वाले समय में जल्द ही जो है कि उसको कठिन से कठिन कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसी घटनाओं को जो है कि रोका जा सके। लेकिन ये सवाल उठता है कि आखिर 2.5 महीने बाद वो वीडियो वायरल कैसे हुआ और क्या जब तक कोई यूट्यूबर, जब तक कोई पत्रकार उस वीडियो को वायरल नहीं करेगा, क्या जब तक कोई वीडियो वायरल नहीं होगा तब तक क्या न्याय नहीं मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी को लेकर अंजलि ओम प्रकाश हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे। अंजलि जी ये बताइए, क्या जब तक कोई वीडियो वायरल नहीं होगा तब तक क्या जो है कि न्याय नहीं मिलेगा? अभी देख के तो यही स्थिति लग रही है ना जी, क्योंकि बीजेपी के इशारों पर 2 महीने नेट बंद कर देना, क्या उससे बच जाएंगे लोग? हाँ। गुनहगार उससे कब तक बचेंगे हम एक बार पूछना चाहेंगे। क्या इससे मोदी जी अपने आप को इस बीच से निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। और सबसे बड़ा गुनहगार है तो वो बीजेपी सरकार है इस मामले में। 2.5 महीने से तो अपराधी अभी भी घूम ही रहे थे ना, अभी भी कहाँ पकड़े गए हैं? 2-4 को पकड़ के आप थोड़ी ना गुनहगार कर दीजिएगा। असली गुनहगार कौन है? उस वर्दी में बैठे हुए वो दरिंदे, वो नामर्द, वो हिजड़े जो 1-2 महिलाओं को भीड़ के हाथे सौंप के चले आते हैं, वो वर्दी वाले सबसे बड़ा दोगला और हरामी और सबसे बड़ा दरिंदा इंसान वो वर्दी में बैठा, वो पुलिस वाला, और वो सीएम के पद पे बैठा एन वीरेंद्र सिंह है। वो तो बोलते हैं कि हमारे राज्य में ऐसी घटनाएं भी आम हो रही है, कोई बात नहीं चलता रहता है। अरे बिल्कुल चलता रहता है। कोई भी बड़ा कांड होता है तो आम नागरिक के साथ ही होता है, कोई मंत्री नेता विधायक के साथ क्यों नहीं होता है? नेता मंत्री विधायक के साथ क्यों होगा? क्योंकि सारे दोगले और सारे चोचले तो उन्हीं के होते हैं ना। जो भी घटना होने वाला होता है उनको तो पता होता है, तो उनकी बेटी बहू पत्नी तो सुरक्षित है, बाकी लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। तभी तो सीएम साहब बोलते हैं कि ऐसे तो रोज होते रहता है, आम बात है। या वो खुद सीएम साहब नंगे हो जाए आके सड़क पे तब भी वो यही कहेंगे और उनको ये कहना पड़ेगा। अच्छा, उनसे जब इस्तीफा मांगे तो इस्तीफा लेकर के गए थे, उनके दर्शकों ने, उनके चाहने वाले लोगों ने उसको फाड़ दिया। कोई चाहने वाले नहीं है, चप्पल से मारने का मन करता है वैसे सीएम को। हम अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते, मन करता है जहाँ मिल जाए उसको नंगा करके बीच सड़क पे आग लगा दे। ऐसे मुख्यमंत्री को तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, वो मुख्यमंत्री कहता है अपने आप को। तो क्या लगता है कि ये मामले को बीजेपी सरकार है इसीलिए 2.5 महीने से दबाने का प्रयास? अरे बीजेपी सरकार है ना, इसीलिए आज रेपिस्ट सुरक्षित है, इसीलिए आज रेपिस्ट सुरक्षित है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह जब महिला पहलवानों के साथ दुष्कर्म करता है आज तक कार्रवाई तक नहीं हुई है, कुछ नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी का सांसद है। बहुत से ऐसे बीजेपी के नेता है जो नाबालिग लड़कियों के साथ रेप किया है पर उसके बारे में किसी को पता तक नहीं है। क्यों? क्योंकि बीजेपी में, केंद्र में नरेंद्र मोदी है जो हर गुनहगार को, हर रेपिस्ट को बचाती है। अच्छा, अपने देश में महिलाओं का बड़ा सम्मान होता है, उसको देवी दुर्गा और माता का रूप मानते हैं। देवी कौन यहाँ पे देवी दुर्गा समझता है हम लड़कियों को या बेटियों को? अगर कोई महिलाओं को या लड़कियों को या बेटियों को लक्ष्मी मानता तो उन औरतों को 40 लोग मिलकर नंगा करते क्या जी? वो सिर्फ 2 औरतों को नंगा नहीं किया है, वो भारत के हर महिला को नंगा किया है वो लोग। और सबसे बड़ा गुनहगार इसमें नरेंद्र मोदी और वहाँ का वो सीएम और वो वर्दी वाला नपुंसक हिजड़ा है। अच्छा, इतना फटकार लगाने के बाद प्रधानमंत्री जी आते हैं और 8 मिनट के भाषण में मात्र 38 सबसे बड़ा दोगला इंसान ये प्रधानमंत्री है। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल है, इधर आइए कह सकते हैं आप ये क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद सीएम, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद आपको उससे क्या करना है? मैं आपको बताता हूं, आपको उससे क्या करना है? मेरे सवाल में ही जवाब। मैं कहाँ रहती हूँ ये आप क्यों, कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? कहाँ के हैं? मैं यही रहती हूँ। कौन से प्रदेश के? मैं यही रहती हूँ। प्रदेश क्या नाम है आपका? मैं अपना घर का एड्रेस नहीं बता सकती, मतलब राज्य का नाम पूछ। अच्छा, बिहार। बिहार में 3 दिन पहले से ऐसा ही घटना हुआ है, आपको मालूम है?
मालूम है काम क्या बिगाड़ लिया है? वही तो बोल रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति को पर्सन को टारगेट करके गाली देना जिस जगह पे एक सवाल का जवाब मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या किसी कोई पत्रकार कोई यूट्यूबर उस गांव में जाकर के उसको नहीं दिखाएगा तो क्या न्याय नहीं मिलेगा? अभी 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 का तो जो सिचुएशन बना हुआ है वही है, और इस यूट्यूबर लोग को भी लोग बंद करने पे तुले हुए हैं। जो नहीं बंद कैसे कर देंगे, कितने को बंद करेंगे? आपको अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला? चैनल बंद कर देगा, मेरा मुंह बंद कर देगा, मेरा मोबाइल बंद कर देगा, मेरा अकाउंट बंद कर देगा। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद, सुप्रीम कोर्ट के दांत लगाने के बाद मोदी जी आते हैं, 8 मिनट का बयान देते हैं, 8 मिनट के बयान में 38 सेकंड मणिपुर का जिक्र करते हैं, और उस जिक्र में भी पहले 2 राज्यों का जिक्र करते हैं, फिर तीसरा नंबर पे आके मणिपुर का जिक्र करते हैं। आखिर क्यों क्यों चुपकी साधे हुए हैं? क्योंकि मणिपुर में उनका सरकार है, उनका सरकार है, बीजेपी का सरकार है मणिपुर में। एकदम भराश निकाल सकते हैं, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं, मगर जहाँ पे वो बैठे हुए हैं ना, जिस संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं ना, उनका पद का लिहाज करके हम लोग नंगे हो जाए जी? नहीं, आपकी बेटी बहू नंगी हो जाएगी तो आप यही बोलिएगा कि यहाँ पे कैसे नंगा कर देगा? ऐसे जब आपके घर की बेटी बहू नंगी हो जाएगी तब आप ये बोल पाएगा? दो महिला की बात कर रहे हैं मणिपुर की, दो महिलाओं की नहीं, पूरी तीन है, तीन महिला, दो महिलाओं को किया गया है लगभग 50 साल के आसपास करके मार दिया गया है। कौन है? दो महिलाओं करके मार दिया गया है वहाँ पे, जिनका जिक्र तक नहीं हो पाया है। आप क्यों नहीं नाम ले रहे हैं? वो खुद वो के सामने क्यों नहीं आ रहा है? अपने फौज के साथ में क्यों नहीं ये चर्चा कर रहे? वहाँ का हालत को आपको समझना पड़ेगा। नहीं, अगर वहाँ पे अभी भी मांग किया जा रहा है कि केंद्र मतलब केंद्र क्या ना राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, आर्मी को वहाँ का जो है कि सुरक्षा दे, उससे भी कह रहे हैं उन दरिंदों को हम महिलाओं के हाथे सौंप दिया जाए, हमारे हाथे सौंप दिया जाए। हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि हमें ना तो पुलिस पे भरोसा रहा और ना तो उस राज्य के सरकार पे भरोसा रहा। हम चाहते हैं कि उन महिलाओं को सजा हम लोग दे। अच्छा, एक बात आपको लगता है कि ये बीजेपी शासित प्रदेश में हुआ है? किसी अन्य राज्य में होता जैसे बिहार हो गया या झारखंड हो गया तो अब तक न्याय मिल गया होता? नहीं, नहीं मिला होता, नहीं, ये पूरे देश का यही क्या बात कर रहे हैं? मिल गया होता अगर अगर यहाँ पे बिहार में हुआ रहता ना, तो अभी बीजेपी और आरआरएस और बजरंग दल वाले नंगा नाच कर रहे होते सड़क पे उतर के, अभी तक आरजेडी का और हर पार्टी का विरोध किए रहे थे। पर अभी ना तो आरजेडी सामने आया, ना तो बीजेपी सामने आया, अभी किसी का मुंह सबका मुंह बंद पड़ा है। क्यों? क्योंकि 2024 में चुनाव है, सब अपने अपने आप को कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, उन सब के चक्कर में नंगा कौन हो रहा है? तो यहाँ की बेटी बहू तो विपक्ष ने भी तो अपनी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। अभी तो वही बोल रहे हैं आपको, अगर इस जगह पे आरजेडी के या मतलब बिहार में ये हुआ रहता और नीतीश की अभी यहाँ पे शासन है, तो बीजेपी वाले नंगा नाच कर रहे होते अभी सड़क पे उतर के। करने देता है कोई? आपको मालूम है वो धरना प्रदर्शन की नाच रही होती अभी, वो भरपेट मारा गया जिसकी यहाँ पे सीधी सी कहानी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो दंगा अभी खुद बीजेपी वालों ने उठाया था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिहार में अंजलि एक मिनट, बिहार को इनसे खुश है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वहाँ पे जो महिलाओं के साथ हुआ है वो किसी अन्य राज्य में होता तो न्याय अभी तक मिला होता? सर, आपको एक चीज मालूम है कि वहाँ एक मिनट इस बात का जवाब मुझे देने दीजिए, उस महिला को नंगा करने में ना सैकड़ों महिला का हाथ है, क्या आपको पता है? आप यहाँ सिर्फ वीडियो यूट्यूब पे डालने के लिए इतना चिल्ला रहे हैं, सच्चाई नहीं जानकारी है तो मत बोलिए। वो 3 महिला को निर्वस्त करने के लिए सैकड़ों महिला जिम्मेदार है। महिला ने बोला है खुद कि मैंने अपने पति को वो भेजा है कि उनका रिवर्स करो, उनका उनके साथ दुष्कर्म करो। ये तो ऑफिशियल बयान अभी हमारे नजर में नहीं है, उस गांव की महिला की है। दीदी दीदी, आपके अनुसार से देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? हमारे हिसाब से अभी जो सिचुएशन चल रहा है, हम तो किसी को अभी बनने नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो हम महिलाओं की ऐसे नहीं होगा। नहीं, ऐसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मणिपुर में मणिपुर के वारदात के ही के लिए हम लोग बिहार में आवाज उठा रहे हैं। मुझे अच्छा लगा, बोलना जरूरी है, लोकतांत्रिक देश है हमारा, बोलना जरूरी है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिहार में भी ऐसा ही घटना 3 दिन पहले हुई है, समस्तीपुर में। कोई किसी ने बताया? अभी बेगूसराय में कल का एक मामला है, तेघरा थाना क्षेत्र के एक महिला को निर्वस्त्र करके उसको पीटा गया है, जो कि बेगूसराय का तेघरा थाना क्षेत्र, और वो ऐसे ही गिरफ्तार किया गया, ऐसे ही घुमाया गया है, वो भी किस कारण से? सिर्फ जातीय उन्मादना फैलाने के कारण। तो अभी उस आरोपी को पकड़ लिया गया, अब ये वीडियो वायरल होगा तब कार्रवाई होगा, अगर वीडियो वायरल नहीं होगा तो कार्रवाई नहीं होगा।
बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी देश में क्या चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी भैया, हाँ, आप क्या कह रहे थे? अब बोलिए। हाँ दीदी, आपके अनुसार अगला देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? जो हम महिलाओं को इज्जत दे। तो को वही तो पूछ रहे, कौन जो नया चेहरा है अब यहाँ से? तो कोई नहीं, पुराना तो कोई नहीं, तो न्यू में ही कौन? सुनिए ना, वो हम लोग चुनाव देकर वोट देके बता देंगे, तो आप किसी एक को टारगेट कर, हमारे हिसाब से अगर कोई महिला आनी चाहिए तो दूसरा बार प्रधानमंत्री नहीं बनते। क्या कर लिया अपना मत का अधिकार है, बता के नहीं दिया। 9 साल में क्या कर लिया उन्होंने, क्या कर लिया उन्होंने? हम गिनना चाहेंगे पर क्यों चुन रहा है सब उसको? सही बात है, गलती कर दिया ना, पैसा और ईवीएम में गड़बड़ी करके। एक और बात है, एक अंजलि जी, अगर नरेंद्र मोदी की वो प्रधानमंत्री बनाया बार बार। अंजलि जी, एक और बात है, अगर नरेंद्र मोदी इतने ही गलत है तो उनको एक आदमी को हराने के लिए पूरी विपक्ष की पार्टियां एक क्यों हो गए? सबसे बड़ा मूर्ख तो यही बीजेपी वाले लगती है, हराने वाले लोग लगे हुए हैं। अगर वो लोग अच्छा काम करते ना तो उनको किसी के हराने के लिए पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक अकेला व्यक्ति उनको हरा सकता है अगर वो ढंग से काम करे तो। हम बार बार यही चीज कह रहे हैं, ना तो मुझे केंद्र में बैठा ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए और ना ही मणिपुर में बैठा जैसा सीएम चाहिए। हमको ना तो वहाँ के सीएम पे भरोसा है और ना ही वहाँ के पर्दी में बैठे हुए पुलिस वालों पे भरोसा है। हमें बस उन दरिंदों को हमारे हाथों सौंप दे, यानी कि उन महिलाओं के हाथ जिन महिलाओं के साथ गलत हुआ है उनको सजा देने का हक सिर्फ उन महिलाओं का है, किसी भी पुलिस का नहीं या किसी भी सरकार का नहीं। क्योंकि अगर सरकार के रहते, अगर पुलिस के रहते हम लोग नंगे हो जाएंगे, तो ना तो हमें उस सरकार पे भरोसा है और ना ही उस प्रधानमंत्री पे भरोसा है और ना ही किसी और पे भरोसा है। कह रहे थे सजा मिलना चाहिए जो महिला उस दरिंदगी में शामिल है। उन लोगों को सजा मिल गई होगी क्योंकि जब वो लोग वीडियो देखे होंगे ना, वो लोग अपने नजरों में गिर गए होंगे। इंडिया का हर एक राज्य में तो बीजेपी नहीं है, नहीं कुछ ही राज्य में तो नहीं है कि हर राज्य में कांड नहीं हो रहा है। आज आपका टीआरपी डाउन चल रहा है, व्यू नहीं आ रहा है, तो बना लीजिए किसी चीज पे वीडियो वायरल हो जाएगा और क्या। नहीं हर दिन क्या सो रहा है, वीडियो वायरल होने का इंतजार करेंगे तब कार्रवाई होगा। 4 जून को यह घटना हुआ, 2 महीना तक कह नहीं सकता है। एक मिनट, 2 महीना तक इस घटना को 2 महीना हो गया ना जी। मेरी बात सुनिए, इस घटना को 2 महीना किया गया था, वहाँ इंटरनेट बंद करवाया गया। बिल्कुल सजा मिलना चाहिए, उसके साथ में है इसके, हम बिल्कुल साथ में उसके, बिल्कुल उसको सजा मिलना चाहिए। 2 महीना तक इंतजार किया गया जिस तरीके का अश्लील सब की स्मृति ईरानी नंगा नाच रही है और नरेंद्र मोदी नंगा नचा देंगे जिस पद पे है ना, वो अगर देख लेंगे ना तो दूसरा दिन आप नहीं चलिएगा। नहीं हम वही बोल रहे हैं, बिल्कुल जो गलत करेगा चाहे वो किसी जगह का हो उसको सजा मिलना चाहिए। बट कम से कम आप उस पद का तो कम से कम सम्मान कीजिए, किस पॉलिटिकल पद पे आपको पता है? कम से कम इनका कहना है कि किस पॉलिटिकल पद पे है उस पद के गरिमा को बचाए रखना चाहिए। हम अभी भी कह रहे हैं, हम सिर्फ कुर्सी का मोदी का सम्मान नहीं करते, उस कुर्सी का सम्मान करते। मोदी अगर हटा दिया जाए वहाँ से ना, एक दिन भी इंडिया में नहीं टिक पाएगा अगर उस कुर्सी से अलग कर दिया जाए तो। लिख के ले लीजिए, वो सिर्फ उस कुर्सी के वजह से बचे हुए हैं, सिर्फ उस कुर्सी के वजह से। हम उनको अभी गाली नहीं दे रहे हैं, नहीं तो मुंह छुपाने लायक नहीं बचते। मोदी अपने मन से आके बैठ गया कुर्सी, बैठ गया बस, वही सेम चीज है। बैठा मैंने अपने मन से बैठा है। आप देखते हैं 24 में कैसे बैठते हैं। एक बात बताइए हमको, आपके आप बोले हैं कि वो प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए, हमें सजेस्ट कीजिए कि हम लोगों के लिए कौन बेस्ट प्रधानमंत्री। आप लोग को अपना समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, अभी कोई लीडर होना चाहिए ना जी, गाँव से किसी को उठा कर प्रधानमंत्री तो नहीं बना सकते हैं आप। हमारे लिए तो भाई कोई महिला आनी चाहिए जो महिलाओं की इज्जत करे, क्योंकि पुरुष तो नहीं कर रहा है। तो बताइए, पुरुष तो नहीं कर रहा है, ऐसा कोई थोड़ी है कि सब पुरुष गलत है, कुछ महिलाएं भी गलत है। सुनिए, कुछ महिलाएं भी गलत है और कुछ पुरुष भी गलत है। आप एक की वजह से पूरे पुरुष को तो नहीं कह रहे हैं, आप बोल रहे पुरुष नहीं चाहिए। उन पुरुष जो वर्दी में बैठे हुए थे उतना, एक मिनट चुप रहिए, एक मिनट भैया, बजरंग दल से रिलेटेड आप बयान देते हैं, पता है आपको बजरंग दल पता है आपको? हाँ, पता है, बोलिए ना। पता हाँ, जो पता आज हिंदू है इतना 100 करोड़ भारत में। अच्छा, आप हिंदू मुसलमान करने आए हैं? तो बजरंग दल आप हिंदू मुस्लिम करने आए हैं? बजरंग दल कहाँ से आ गया? नहीं है तो बजरंग दल कहाँ से आ गया? इनके हिसाब से कोई भी प्रदर्शन कर रही है तो उसको पूरा सपोर्ट आरएसएस और बजरंग दल वाले इनको सिर्फ एक कम्युनिटी को प्रदर्शित करना है, बाकी लोग भाड़ में जाए। आज तक जितनी भी पार्टियां हैं, आज बीजेपी बहुत बुरी हो गई अगर हिंदू के पक्ष में कोई बात कर दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले सुनिए, अभी कुछ दिन पहले हमारे बिहार में बागेश्वर धाम वाले बाबा का प्रोग्राम हुआ था,
बिहार में बहुत बड़े बड़े नेता है जो कि गाली दे रहे। अच्छा मेरे हिसाब से वो बंदा क्या गलत बोलता है, मान लीजिए ठीक है कि वो जादू करता है तो ना कर, सुन मैडम एक मिनट विधवा है किसी सैनिक की पत्नी जो मांग में सिंदूर नहीं लगाती है, गले में मंगलसूत्र नहीं पाती है, पैर में पायल नहीं पहनती है, तो वो खाली प्लॉट है, उसको कौन कर रजिस्टर करने जाएगा? हम खुद बोले आप रजिस्टर करेंगे या आपकी बहन देखिए जो शादीशुदा नहीं है, आप उसको ये सारे लोग मिलकर रजिस्टर्ड करेंगे खाली प्रॉपर्टी है आपकी बहन? ऐसे थोड़ी होता है, कह देने से कुछ नहीं। बात मेरा पूरा, धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो बयान है आप सुने हैं ना, कि अगर कोई महिला मंगलसूत्र ना पहने और सिंदूर ना लगाए तो वो खाली प्लॉट है। शहीद की भी तो पत्नी है जो मंगलसूत्र नहीं पहनती है, सिंदूर नहीं, खाली प्लॉट। हर बात का दो मतलब होता है। अगर किसी का पॉजिटिव मतलब बता सकते हैं आप उसको निगेटिव लेके चलिएगा, पॉजिटिव क्या हो सकता है इसका मतलब? अच्छा एक बात बताइए, खाली प्लॉट का पॉजिटिव मतलब कोई भी हिंदू महिला है जो शादीशुदा है वो कौन मंगलसूत्र नहीं पहनती है, कौन सिंदूर नहीं लगाती है? विधवा है वो नहीं लगाती है, सुनिए विधवा है नहीं लगाती वो एक अलग मैटर है, उसका उस ऐसा थोड़ी होता है कि खाली प्रॉपर्टी है। अगर कोई आम औरत चलते हुए दिखाई दे और मांग में सिंदूर ना हो, ऐसे नहीं होता है जी, मुस्लिम महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती, कुंवारी लड़कियां नहीं लगाती है, तो खाली प्लॉट है जो है वो। उस बात को आप गलत तरीके से सुनिए, उस बात को आप गलत तरीके से मैं बोलना चाहती हूँ, ये बोल रहे हैं ना मुस्लिम औरतें कभी सिंदूर नहीं लगाती है, इस चीज को आप गलत तरीके से प्रदर्शित करने की कोशिश अच्छा कर रहे हैं, वो गलत नहीं है, ठीक। ऑफिशियल बयान क्या, सुनिए ना, बता रहे ना। ये जो उस समय पहले हम उस समय जो बोल रहे थे, बात मेरा पूरा नहीं हुआ, वो बंदा मान लीजिए सुनी, वो जादू करता है, टोना करता है, कुछ भी करता है, हमें उससे कोई बात नहीं, वो बंदा क्या गलत बोलता है? अगर हम अपने धर्म के बारे में अपने लोगों को बता रहे हैं, हम आपकी धर्म की बुराई नहीं कर रहे हैं, ना ही हम कह रहे हैं कि कोई धर्म बुरा है, ठीक, कोई भी धर्म बुरा नहीं है, ठीक। अगर हम अपने धर्म के बारे में लोगों को बता रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, तो इसमें गलत क्या? अच्छा मेरी बात सुनिए, धर्म का बात करते करते हम बेटी बहुओं को खाली प्लॉट बोल देंगे, ये कहाँ तक सही? ये आप एक तरीके से गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अगर मान लीजिए कि मैं सिंदूर बिंदी नहीं लगाई हूँ, अगर मैं बाई चांस शादी शुदा हूँ, इससे पहले आपका कितना वीडियो है जिसमें आप, हमको चाहिए एकदम मतलब इस तरीके का जस्टिस फॉर इस चीज का, कितना वीडियो है आपका? नहीं जानते हैं क्या लड़की की? आप वीडियो जाके खोलिए। अच्छा कितना वीडियो इसके पहले हमारे चैनल पे भी मिलियन कितना वीडियो? बहुत सारा, कम 10 मिलियन वीडियो, मिलियन वीडियो है ना? हाँ इनका मिलियन वीडियो है, एक एक करके 10 लाख वीडियो है, 10 लाख वीडियो दिखाइए कितना, 10 लाख वीडियो, एक मिनट अभी दिखा रहे मैं दिखा रहा हूँ, अगर शर्त आ गया तो आपको दिखा रहा हूँ। आपके चैनल का नाम क्या? देख रहे हैं यही लड़की, 10 लाख वीडियो नहीं बोले, 10 लाख व्यूज बोले, 10 लाख व्यूज बोले, 10 वीडियो बोले हैं, व्यू का चीज नहीं है। आप देखिए सब मिला जुला करके व्यूज नहीं कर रहे हैं, 10 लाख वीडियो तो, 10 लाख वीडियो तो मोदी का भी नहीं होगा, मेरे पास है 10 लाख व्यूज का बात नहीं हो रहा है, 10 लाख वीडियो होगा किसी का दुनिया में? हम तो आपको वही पूछे कि नहीं, 10 वीडियो मेरे चैनल पे दिखाएंगे इस लड़की का। अच्छा इस लड़की का सैकड़ों वीडियो अलग अलग चैनलों पे। अच्छा किसके मतलब, ठीक है कोई बात नहीं है, मेरी भी बहन आपकी भी बहन, देखिए सब मिला जुला कर, भैया बड़ा अच्छा बात बोले, सबकी बहन हमारी भी बहन। कितने प्रतिशत मर्द होते हैं जो बहनों को बहन कहते हैं या अदर लड़कियों को बहन कहते हैं? प्रतिशत यहाँ अभी जो लोग हैं वो इस बात, चलिए सब मिला जुला करके बोल दिए, वो अच्छे है बोल दिए, पर कुछ देर पहले भी हम गांधी मैदान में, अरे आपकी बात नहीं कह रहे, सुनिए आप मेरी बात सुनिए, कुछ देर पहले आपके साथ खड़े थे ना, आपके साथ खड़े थे आपके, आप थोड़ी देर पहले देखे ना कैसे लड़के कमेंट करके गए यहाँ से, फिर अभी जस्ट आप हम लोग के सबके सामने वो लोग बोल के गए, कमेंट करके गए यहीं से गांधी मैदान से ही लड़के, कमेंट आप लोगों ने डेवलप किया है उसका आपको आज नतीजा। अच्छा चुपाइए, क्या बोले वो, हम लोगों ने संस्कार दिए उनको, जिसने पैदा किया वो संस्कार दिया होगा हमें, संस्कार कौन देता है? एक मिनट, क्या बोल रहे थे? आपका मीडिया मुर्दाबाद, आप मुर्दाबाद, खत्म खेल, हम मुर्दाबाद और आप,
अरे आप ही जैसे लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, आप ही जैसे लोग, आप जैसे लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। आइए सामने, दो मिनट में आपकी औकात दिखाते हैं, कहाँ गए भाई। अरे मेरी बात सुनिए, जब इनकी बेटी बहू को नंगा कर दिया जाएगा ना, तब भी ये कहेंगे जय मोदी। भाई साहब इधर आइए, मतलब नहीं नहीं, हम बोले आइए आपको, हम आपका सुनिए। और जब धीरेंद्र शास्त्री इन लोगों, हम ये बोले कहाँ गए, इधर आइए इधर आइए, आप हमको मुर्दाबाद बोला, इधर आइए इधर आइए, इधर यहाँ हम तर्क करते हैं, हम तर्क करते हैं, अब इधर आइए इधर आइए इधर आइए इधर आइए इधर आइए इधर आइए आइए इधर आइए, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इधर आइए आप हमसे दो मिनट, अगर हमसे कोई रे सुना तो इसके लिए माफी मांग लेंगे, लेकिन आप यहाँ इधर आइए इधर आइए इधर आइए इधर आइए, अब हमको ये बता दीजिए, इधर हमको ये बता दीजिए, इधर आइए, नहीं भैया इधर आइए, हमसे बात कर, पीछे काहे बात कर रहे हैं, आप यहाँ आइए, हमसे तर्क करिए, हम बात करते हैं आपसे, आप सामने आइए, बात करिए हमसे, अगर है हिम्मत तो हमसे लड़िए, आइए आइए, हम तर्क करते हैं आपसे, दिखाएंगे हम एक पढ़े लिखे पत्रकार है, कोई है ऐसा वैसा नहीं, हमको यूट्यूबर मत समझिएगा, डिग्री लेकर बैठे हैं। मेरी बात सुनिए, एक लाइन, चुप रहिए, हम किसी के विरोध सपोर्ट, मेरी बात सुनिए, सुनिए सुनिए, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनकी अपनी बेटी को रजिस्टर्ड कर लेगा, कहना है अपनी बेटी को समाज का संस्कार, लड़कियां बिगाड़ी है तो आपकी भी बहन होगी उसमें, जो बिगाड़ी होगी आपकी माँ होगी, आपकी बुआ होगी, वो सब भी होगी उसमें बिगाड़ने में, आप अपने बहन के परिवार वालों को क्यों नहीं समझाते हैं, हमको बताइए, आपके घर में महिलाएं होंगी ना तो उसका भी हक है, दुनिया के सारे महिलाओं में उनके घर की भी तो महिलाएं हैं ना भैया, मैटर पेन मैटर पेन मैटर पेन, सुधरेंगे मणिपुर का भैया, हम आपसे कहां गए, हमको आपसे कोई और नहीं है।